तिजारत और सनतकारी को बदहाली से निकालने के लिए रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बेंगलुरु में एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया। इसका मकसद था कि लॉकडाउन के दौरान मुतासिर हुए सनतकारों को एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। देखिए, जो मुल्क की गिरती हुई मईशत है, इकनॉमी है, उसके अंदर हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ख़ास तौर से जो बिजनेसमैन तबका है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मायूसी का शिकार है, उसमें से बाहर निकालना, अपने बिजनेस को सेट करना और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। इसलिए मकसद ये हो कि हम किस तरह से मुल्क के लिए हम एक एसेट बन सकें, मुल्क को इस क्या बहरान से निकालने में एक अहम रोल प्ले कर सकें, वही एक थॉट प्रोसेस देना चाह रहे हैं हम लोग। देखिए, लॉकडाउन के बाद जो इनिशियल इम्पैक्ट था ना, वो तो बहुत ख़तरनाक था हर आदमी का। ऑल ऑफ अ सडन पूरा धंधा तो इनिशियल शॉक तो हो गया था, लेकिन धीरे धीरे जो लोग उसमें से क्या बोलेंगे, उसका आदि होना शुरू हो गए। अच्छा, कुछ एंगल्स में ये महसूस हुआ कि हमारे जो अच्छे जो बिज़नेस होते हैं ना, तो अपने ऑपरेशंस पर कोई ध्यान नहीं देता। जब वहाँ इम्पैक्ट पड़ा है तो हर आदमी अपने ऑपरेशंस को, अखराजात को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना, तो सबके बिज़नेस अच्छे खासे बिज़नेस ऑप्टिमाइज़ हो गए हैं। ये बात फैक्ट है कि कई बिज़नेस कोलैप्स हुए हैं, डाउन हैं, लेकिन लोगों ने ना कुछ उसको थोड़ा सा ट्वीक करके थोड़ा सा स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर लिया है, कुछ क्लोज कर नए शुरू कर दिए हैं। तो जो स्मार्टली अपने बिज़नेस को एंटिसिपेट करके, वो लोग तो सेट हो गए हैं। ये बात फैक्ट है कि बहुत कोलैप्स हुए हैं, बिज़नेसेस बहुत सारे बंद हुए हैं, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि बहुत सारे नए एवेन्यूज़ खुले हैं। और एक जन बाय एंड लार्ज जो बिज़नेस आमतौर पर लोग कर रहे हैं ना, अपने बिज़नेस का पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्लान्स लेके नहीं चल रहे हैं। तो उनको हम समझाना चाह रहे हैं कि अपने बिज़नेस का फुल पोटेंशियल यूज़ करो, स्केल अप और फोकस करो, डाइवर्सिफाई करना ज़रूरत पड़ो, और नए ट्रेंड जो आने वाले हैं अपकमिंग, वो गैप्स को आइडेंटिफाई करके अपने आप को सही तरह पोजिशन करो। देखिए, कर्नाटक में अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 साल पहले रिफा के सिलसिले में पेशकदमी हुई है, और इसके बाद एक एडॉक कमेटी बनाई गई, और फिर उस कमेटी ने अपने अंदाज में, अपने तौर पर इसका कुछ इनिशियल लेवल पे एक प्रोग्राम तय किया। लेकिन पिछले 1.5-2 माह से अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम करना तय हुआ है। यह ज़िम्मेदारी मुझे भी तकरीबन 1.5-2 माह पहले सौंपी गई है, और इस ज़िम्मेदारी के तहत हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो बिज़नेसमैन और वो एंटरप्रेन्योर्स और वो स्टार्टअप्स जो वाकईतन या तो गाइडेंस के सिलसिले में परेशान हैं, या फिर फिनंशियल परस्पेक्टिव से परेशान हैं, और फिर सही अंदाज़ में रहनुमाई उनको मिल नहीं पाती है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला उनको रहनुमाई दी जाए। एक बिज़नेसमैन की ज़रूरत सिर्फ पैसा ही नहीं होता, एक बिज़नेसमैन की ज़रूरत उस सही रहनुमाई भी होती है, सही गाइडेंस भी होता है, और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह तबारक ताला हम अपना एक एक्टिव रोल अदा करने की कोशिश करेंगे। आज का प्रोग्राम जो है, हमने फ़र्स्ट लाइनर्स कर्नाटका के लिए तय किया है, जिसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, और जिन डिस्ट्रिक्ट में अभी हमारे काम की बुनियाद नहीं पड़ी है, उन जगहों से हमने एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल को बुलाया है, ताकि ये अहबाब फर्स्ट लाइनर्स बनकर रिफा के पैगाम को, रिफा के अकदार को, रिफा के वैल्यूज़ को जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ले जाएं, और फिर वहाँ इसकी बुनियाद डालें, और फिर इंशाल्लाह ताला फॉलोड बाय दिस प्रोग्राम होपफुली विल आल्सो रन ए कैंपेन, जिस कैंपेन के तहत जो है बिज़नेस के सिलसिले में अवेयरनेस लाई जाएगी। बिज़नेस की बुनियादों का ठीक होना ये बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आदमी का मामला ये होता है कि आदमी की सारी दीनदारी दूसरे पहलुओं से तो खुल के आती है, लेकिन बिज़नेस के मामलात में वो खुल कर दिखाई नहीं देती। तो हमारी ये कोशिश होगी कि इस्लामी अकदार पर मबनी बिज़नेस खड़ा किया जाए, और बिज़नेसमैन को बताया जाए कि सही वैल्यूज़ पर बिज़नेस करने से न सिर्फ एक बिज़नेसमैन को फ़ायदा होता है, बल्कि उसके क्लाइंट की लिस्ट भी बढ़ती है, और फिर आने वाले दिनों में, अगले अय्याम में जो है, खूब मुनाफा भी कमाया जा सकता है। ये हमारा पैगाम है इंशाअल्लाह ताला। आप देखिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतना था, इसी के सभा की मनका से बहुत हिम्मत के साथ बात की, कहा कि अगर आप तुम नहीं करें तो हम दबाव डालेंगे आपका।
हम तुम्हारी हुकूमत भी ले सकते हैं पूरा का पूरा, और उनसे ज्यादा डेवलपमेंट था। आप देखते हैं कि उनका तख्त भी उन्होंने मंगाया और जो कांच के महल में भी लेकर चले गए, वो तो अपने पांचे उठा ली कि समझी कि पानी है गहरा, कहा कि नहीं ये कांच का है। तो हर अच्छा उसके अंदर पेंटिंग्स थी, तमाशिल का लफ्ज आता है कि वो जो है ना महारी भी थे कि बड़े बड़े महल भी बनाते थे ना, और पेंटिंग्स भी बहुत अच्छे करते थे। आजकल पेंटिंग्स कितनी भी बिक रहे हैं आपको कुछ अंदाजा है? पेंटिंग्स का एक बड़ा कारोबार है यहाँ से वहां तक पूरी दुनिया के अंदर, आपको लेना है तो। जब तक हम ये सारे जराए को इस्लाम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आगे कैसे कामयाब होंगे? आगे हो सकता है हमको किसानों का शोभा फिर अलग करना पड़े, खेती अलग करना पड़े, इंडस्ट्री अलग करना पड़े। तो इस तरीके से ये सफर चलता हुआ बहुत आहिस्ता से हमारे पास शुरू हुआ, और ख्याल ये था कि इसी मीकात में हम महाराष्ट्र में मजबूत करेंगे, लेकिन मरकज ने कहा कि आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह का फजल है कि आज 17 स्टेट्स में जो है इसका काम अच्छी तरीके से हो रहा है, और महाराष्ट्र से भी आगे बढ़कर मैं तो समझता हूँ, जैसी कुछ रफीक साहब की हमारी रिपोर्ट है कि किसानों के पास गए तो मालूम हुआ कि एक साहब ने, यहाँ के एक मुसलमान साहब ने 10,000 चीकू के पेड़ लगाए, तो उनको तो PhD की डिग्री मिली है यूनिवर्सिटी से, स्टेट और नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। अभी लातूर के एक साहब हैं जो 6th-7th पढ़े हुए, उन्होंने छोटा ट्रैक्टर बना दिया, मकबूल नाम है, मैं जाकर मिला हूँ। तो ऐसे बहुत सी जो सलाहियतें हमारी छुपी हुई हैं उनको आगे बढ़ाकर इस मुल्क की तामीर में हमको जो है रोल अदा करना चाहिए।